हेलो, दिस इज़ बिनराना और आज मैं आपको बताऊंगा कि XML साइट मैप क्या है, XML साइट मैप हम क्यों यूज करते हैं और XML साइट मैप हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, XML साइट मैप एक टेक्स्ट फाइल है जिसका यूज किसी वेबसाइट पर ऑल URL की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइक जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें जो साइट मैप है इसमें मेरी साइट के जो भी पेज हैं वे यहाँ पर डिफाइन है XML साइट मैप फाइल में। ठीक है, क्लियर। XML साइट मैप का हम यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो XML साइट मैप आपकी वेबसाइट को मोर इफ़िशेंटली क्रॉल करने में सर्च इंजन की हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए हम XML साइट मैप का यूज करते हैं। XML साइट मैप के तीन एट्रीब्यूट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक होता है लास्ट मॉडिफाई, जो भी आपका पेज है वो किस डेट में चेंज हुआ था ये यहाँ पर डिफाइन करना होता है। डेट का फॉर्मेट होता है वो ईयर, मंथ या डेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है पेज प्रायोरिटी, ये एट्रीब्यूट बताता है कि इस फाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है इस साइट पे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। ठीक है, तो जो भी URL है उसकी आप प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो वो यहाँ पर आप इस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है चेंज फ्रिक्वेंसी, ये फाइल का जो कंटेंट है वो वीकली चेंज होता है या डेली चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, तो ये आप यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि XML साइट मैप हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो विद इन सेकेंड में आप XML साइट मैप जनरेट कर लेंगे। क्लियर, ये XML साइट मैप जनरेटर टूल है और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, XML साइट मैप जनरेट करने से पहले जो मैंने आपको तीन एट्रीब्यूट बताए हैं उनका आपको ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ मिलेंगे। जो मोर ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो तीनों एट्रीब्यूट आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, लास्ट मॉडिफाई एट्रीब्यूट, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा आपके सर्वर का जो लास्ट मॉडिफाई डेट होगी। ठीक है, और जो आपको पेज की जो प्रायोरिटी सेट करनी है वो भी ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ठीक है, और आपको यदि फ्रिक्वेंसी यहाँ पर चेंज ऑलवेज करनी है, आवरली, डेली, वीकली जो भी करनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी इसकी जो वाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आप रख सकते हो। क्लियर, फिर क्या करना है आपको, यहाँ अपनी वेबसाइट का URL पुट करना है। लाइक जैसे मैं अपनी वेबसाइट के लिए कर लेता हूँ binarana.com। ठीक है, देन स्टार्ट बटन पर मुझे क्लिक करना है। विद इन सेकेंड में ये आपकी वेबसाइट के लिए XML साइट मैप जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसने साइट मैप जनरेट कर दिया है, तो मैं यहाँ व्यू साइट मैप डिटेल्स बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये डाउनलोड का बटन दे रहा है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं साइट मैप को ओपन करता हूँ, तो इसमें देखो वो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट दी हुई है। ठीक है, और प्रायोरिटी सेट की हुई है हर URL की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें चूँकि मैंने दी नहीं थी तो इसमें फ्रीक्वेंसी है नहीं। ठीक है, क्लियर। तो हम सर्वर पे अपलोड कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट का सर्वर cPanel या FTP के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, सर्वर लॉगिन करने के बाद जो public.html वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मैं ये वाली फाइल अपलोड कर देंगी, तो मैं अपलोड करूँगा और सेलेक्ट कर लूँगा फाइल, ये वाली फाइल। ठीक है, साइट मैप डॉट XML। तो ये साइट मैप डॉट XML फाइल अपलोड होगी मेरे सर्वर पे। ठीक है, मैं अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा? ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो जो इसका जो पाथ होता है वो ये होता है, जो भी आपकी वेबसाइट का URL है स्लैश करके आप लिखोगे साइट मैप डॉट XML। ठीक है, प्रेस करेंगे एंटर तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम XML साइट मैप जनरेट करते हैं और उसे अपलोड करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग यदि किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।